खबर है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से, जहां ग्राम चनहैटी के प्राथमिक विद्यालय में प्रधान चुनाव के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही भुजियां। जहां थाना कैंट क्षेत्र के चनहैटी में सुबह से ही चुनाव चल रहा है। आपको बता दें कि वहां पर पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से कोरोना का प्रकोप चल रहा है, जिससे कोरोना वायरस आने के बाद प्रशासन अलर्ट है। उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां चुनाव प्रचार के दौरान उड़ाई जा रही हैं, जिस पर प्रत्याशियों ने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाए। हमारे हस्बैंड अच्छे वोटों से हमारी विजय हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था हमारा, इसलिए झूठी उड़ाने के लिए दूसरे मोहल्ले से बुला के लड़कों से फायरिंग करा के वही तमंचा डाल दिया और हमारे पति को झूठी आरोप लगाया है। क्या नाम है रवि साहू? किसने आरोप लगाया है? क्या नाम है? सूरज लाला सूरज साहू और छोटे लाल प्रधान। वो भी चुनाव में खड़े हुए हैं जी? किस पद पर? प्रधानी। और आप किस पद पर खड़ी हैं? प्रधानी। क्या नाम है आपका? अलका साहू। कौन सा क्षेत्र है आपका? ग्राम चनेटी। तो कोई आज पुलिस भी ले गई थी आपके पति को पकड़ के? क्या हुआ था? जी नहीं, हमारे पति खुद गए थे वहाँ पर, तो उन्हें बैठा लिया था पुलिस वालों ने। कोई आरोप नहीं उन पर लगा क्योंकि वो बेगुनाह थे वहाँ। प्रधानी पद पे किस तरह चुनाव चल रहा है? यहाँ का चुनाव तो खैर ठीक ठाक चल रहा है, हम लोग जैसे किसी तरीके की वो नहीं है, लेकिन प्रचार बहुत गलत चला यहाँ का। इसका जो प्रचार है, प्रचार इतना गलत चला, कल चनेटी के अंदर पूरी रात भर गुंडागर्दी हुई है, रात भर पूरी वोट खरीदा गया और मेरे ऊपर गोली से फायर किया गया था, मेरे ऊपर तमंचे से गोली से फायर किया गया था। हाँ जी, हाँ यहाँ तो वैसे चुनाव तो सही चल रहा है कुल मिला के। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।